हेलो सीतापति, मैं चाहती हूँ कि आप एक विदेशी लड़की का केस लड़ें। मिनिस्टर जोशी के बेटे और भांजे ने मिलकर उसका बलात्कार किया है। देखिए, मैं जानती हूँ आपके बारे में, आप ही ने अमीना बेगम का केस लड़ा था। हो गया, मुझे किसी केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम। आपसे निवेदन है कि आप मेरा पीछा करना बंद करें। एक मिनट, आप प्लीज मेरी बात। सीतापति, पागल हो गए क्या यार? 40 रुपया किलो, इतना महंगा? हाँ जी, महंगाई तो है ना। अरे हम सब्जी खरीदने आए, सोना नहीं खरीदना क्या है बे? माँ कसम यार, ये समाज सेविका ना, अभी हम इसका सर फोड़ देंगे। देखिए मैडम जी, अगर आप हमसे वही बात करने आई हैं जो आप कल करने आई थी, तो हमारा जवाब भी वही है जो कल था। आप खामखा एक शरीफ आदमी का पीछा करके उसको परेशान कर रही हैं। हमारी दुकान पे आ गई, अभी मार्केट में चली आई, हम आपके ऊपर ईव टीजिंग का मुकदमा दायर कर देंगे। दफा 294 के तहत आप 6 महीने के लिए अंदर जाएंगे। हेलो, हो गया? मैं तो सिर्फ कांदा खरीदने आई थी। चल सोनी, आगे से लेते हैं, यहाँ तो सब्जी भी नहीं खरीद सकते। 5 किलो दो यार। वैसे मुझे पता है कि ये केस तो तुम ही लड़ने वाले। अरे सुनिए, सॉरी, तुमसे बात करनी थी। मगर मुझे नहीं करनी, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे इस केस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है इस केस में, ना सही, जस्टिस में भी इंटरेस्ट नहीं है। है, अगर मिले तो? तो तुमने तय कर लिया कि जस्टिस मिलेगी ही नहीं, चाहे कोई भी केस हो। लुक, तुमने अमीना बेगम का केस हैंडल किया है, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या जानती हो? जानती हो ना, उस लड़की के बाप ने भरी अदालत में चंद रुपयों की खातिर अपनी बेटी को वैश्या कह दिया और उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। और तुमने क्या किया? तुम एक केस हार गए और तुमने अपने हाथ धो लिए। तुमने तय कर लिया कि जहाँ पैसा है, पावर है, वहाँ जस्टिस तो है ही नहीं, राइट? तुमने कभी सोचा है कि उसके बाद भी न जाने कितनी लाखों अमीनाएं हैं हमारे देश में जो आज भी जस्टिस का इंतजार कर रही हैं? कहाँ जाएंगी वो? सीतापति, जब तुम जैसे लोग जिनका जमीर आज भी जिंदा है, जो ईमानदार हैं, वही अपने हाथ खड़े कर देंगे तो क्या करेंगी अमीनाएं? मैं तो कहती हूँ हर घर में एक न एक अमीना होगी जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानती है कि न्याय दिलाने वाला तो कोई है ही नहीं। और ये वैश्य दरिंदे, ये दिन बर दिन हावी होते रहे, यही चाहोगे ना तुम? प्लीज मेरी बात पे जरा ध्यान दो। खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक अमीना तुम्हारी खुद की ना हो, अपनी ना हो, तब क्या करोगे? अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे तुम? बहुत बोलती। हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन सही बोलती हूँ। तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल तुम्हारा सही नाम रखा है, सत्या। साला सत्य हताश हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कल 10 बजे मिलता हूँ मैं। थैंक यू। कोट भी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है? मैं चलती हूँ, 10 बजे कल। माय गॉड, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। नहीं मतलब क्या मतलब यार, पहचाना नहीं, वकालत करता था यार मैं, अच्छा मत थोड़ी करता था। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। चलो